क्या हो गया नताशा, बिला वजह अपना मुंह क्यों बनाकर रखा? बिला वजह तुम जानती नहीं हो मेरे साथ क्या हो रहा है। तुमने जुहेर भाई से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। जुहेर भाई को मैंने कभी इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा तुम्हें। शट अप मीना, बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो मुझ में दिलचस्पी लेता था, जब से वो लड़की आई है पता नहीं क्या नाम है उसका, कहां से उठ के आ गई। अगर वो उस लड़की को पसंद करते हैं तो कोई ना कोई तो खास बात होगी ना उसमें। तुम उस लड़की को मुझ पे फौकियत दे रही हो? मैं किसी को किसी पर फौकियत नहीं दे रही हूँ, बस एक बात कर रही हूँ। अगर कोई हमें पसंद नहीं करता तो उसके पीछे भागना हिमाकत है। मैं उसके पीछे भाग नहीं रही। बचपन से अम्मी और खाला अम्मी के मुंह से यही सुना है कि वो मेरा है। हेलो गर्ल्स, अकेले अकेले क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ। अगर आपको इतना ही शौक है हमारी बातें सुनने का तो आप कहीं खड़े रहिए, सुन लें हमारी बातें। जी जी जरूर सुनेंगे, आप कहें और हम ना सुने ऐसा हो सकता? आपको तो आदत है बीच में घुसने की। क्या करूं, आदत से मशहूर। अच्छा स्टॉप, तुम्हें तो मालूम होगा कि जुहेर कराची क्यों गया है। मुझे क्यों मालूम होगा? तुम उसके खास दोस्त, जानती हूँ। हाँ हाँ, मैं उसका खास दोस्त हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँ। नहीं बताना चाहते तो ना सर, मैं खुद ही मालूम कर लूंगी। मालूम करके क्या करेंगी आप? भाई समझ के समझा रहा हूँ, उसे भूल जाओ। इससे पहले वो तुम्हें कहे कि बीबी मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वहां पहले से कोई मौजूद है, आप जा सकते हैं। वो जो भी कहे, उसकी जिंदगी में मेरी जगह हो या ना हो, लेकिन मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और तुम दोनों ये सुन लो, वो किसी का नहीं हो सकता, समझे? फिर से नाराज कर दिया ना उसे, अब कौन मनाएगा? यू एंड मी, हम दोनों मिलके मनाएंगे उसे। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ उसे मिलकर मनाऊंगी? कभी नहीं, खुद ही मनाओ उसे। मीना, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार।